हाय डियर फ्रेंड, हम सभी देख रहे हैं ACT एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में, और उसमें जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एक्सीवेटिंग एंड अर्थ मूविंग इक्विपमेंट। ठीक है, एक्सीवेटिंग इक्विपमेंट और अर्थ मूविंग दोनों ये काम करता है। तो ऐसे टाइप के हम इक्विपमेंट के बारे में पढ़ने वाले, जिसमें बोला है कि मोटर ग्रेडर, स्क्रैपर है, बुलडोजर है, ट्रैक्टर है, ये सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। ये सारे पॉइंट के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ताकि वो भी इसको देखे और मैं मोटिवेट हूँ कि इसके ये जो चैप्टर है, ACT जो सब्जेक्ट है, उसको पूरे के पूरे वीडियो बहुत जल्दी आप तक प्रोवाइड कर सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम समय में, मुश्किल से 15-20 दिन में ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको दे देंगे, पूरे चैप्टर ACT के पूरे चैप्टर आप वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो सब कुछ डिपेंड है आपके लाइक्स के ऊपर, आपके कमेंट्स के ऊपर और आपके व्यू के ऊपर। तो नेक्स्ट है, दे में भी ईदर टू और, जैसे मैं पॉइंट अगर बात कर रहा हूँ इसके मोटर ग्रेडर की, अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने पॉइंट वहाँ बताया और ये पॉइंट मोटर ग्रेडर पहला टॉपिक इसमें का उठाया और बात कर रहा हूँ कि ये क्या होता है। दे में भी ईदर टू और मोटराइज होता है, यूजली सेल्फ प्रोपल्जी होता है। ठीक है, प्रोपल्जी होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए क्या है, आगे पॉइंट देख लेते हैं। आगे पॉइंट कंस्ट्रक्शन के लिए क्या बोला है कि फ्रंट ऑफ द ग्रेडर फ्रेम इज सपोर्टेड ऑन अ पेयर फ्रंट व्हील एंड रियर ऑन टेंडम व्हील। नेक्स्ट पॉइंट, कर्व ब्लेड इज सपोर्टेड ऑन द सर्कल एंड बी टर्न थ्रू 360 डिग्री। 360 डिग्री में वो टर्न कर सकता है। ब्लेड हैज रिप्लेसेबल एज, ब्लेड जो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। कटिंग डेप्थ 2.4 सेंटीमीटर तक होता है। मोटर ग्रेडर में स्पीड अगर देख सकते हैं तो लाइट ड्यूटी के लिए 6 to 10 किलोमीटर पर आवर, हैवी ड्यूटी है तो 2 to 3 किलोमीटर पर आवर, और नॉर्मल ड्यूटी तो 4 to 6 किलोमीटर पर आवर। यूजेज क्या है, ग्रेवल रोड रिपेयर करना हो, बैंक कटिंग करनी हो, बेस का देखो बैंक मतलब किनारा कट करना हो तो उसके लिए, बेस कोर्स स्प्रेडिंग के लिए, स्नो लैंड क्लियरेंस के लिए, जैसे कुछ सिटीज़ में आप देखेंगे कि स्नो फॉलिंग होती है तो रोड मतलब पूरा बर्फ से ढक जाता है, तो उसको क्लियर करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। रोड शोल्डर रीशेपिंग के लिए, डिच फिलिंग के लिए, मटेरियल मिक्सिंग के लिए, फ्रोजन टॉप सॉइल और एस्फाल्ट ब्रेकिंग के लिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का मोटर ग्रेडर होता है, इस तरीके का मोटर ग्रेडर यूज़ किया जाता है। ये आप फिगर देख रहे हो, इसमें मोटर ग्रेडर है। नेक्स्ट पॉइंट स्क्रैपर। ठीक है, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट में, एक्सीवेटिंग और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट में अगर मैं बात करूँ तो ये स्क्रैपर है। और लास्ट वीडियो में अगर देखोगे तो सिर्फ एक्सीवेटिंग के लिए था, वो सिर्फ एक्सीवेट करता, डिग करने के लिए सिर्फ था वो, और यहाँ पर हम कर रहे हैं वो मूव भी करता है अर्थ को, मतलब सॉइल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव भी कर सकता है। तो स्क्रैपर्स क्या होता है, कंप्रोमाइज बिटवीन बेस्ट लोडिंग एंड बेस्ट हॉलिंग मशीन। बेस्ट लोडिंग के लिए, बेस्ट हॉलिंग के लिए भी ये मशीन दी है। यूनिक फॉर लॉन्ग डिस्टेंस हॉलिंग के लिए भी ये यूनिक है, अद्वितीय है। इट सेल्फ डिग हॉल्स डिपोजिट द मटेरियल्स इन यूनिफॉर्म थिक लेयर्स में ये मटेरियल्स को डिपोजिट करता है। टाइप्स में देख सकते हैं तो क्रेवलर माउंटेड पुल्ड है और व्हील ट्रैक्ट पुल्ड है। बेसिक पार्ट में बाउल होता है, एप्रॉन होता है, इजेक्टर होता है जिसको टेल गेट भी बोला जाता है। स्क्रैपर की कैपेसिटी होती है हेड कैपेसिटी ऑफ द बाउल ऑपरेशन वाई डिगिंग कटिंग एज इंटर्स द ग्राउंड बाय लोअरिंग द बाउल द फ्रंट एप्रॉन इज रेज्ड, एज इज रेज्ड, एप्रॉन इज लोड वाइल हॉलिंग वाइल डंपिंग इजेक्टर इज यूज्ड। स्क्रैपर आप देख सकते हैं इस तरीके का स्क्रैपर होता है। फिगर के साथ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कम से कम फिगर देख के आप आइडिया बता सकते हैं कि हाँ ये इस फिगर को इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तभी आपको आइडिया मिलेगा। देखिए इस टाइप का स्क्रैपर होता है, इस टाइप का स्क्रैपर है, इस तरीके से लेवलिंग करने के लिए ये यूज कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है बुलडोजर। बुलडोजर क्या है, वर्सेटाइल इक्विपमेंट है ये। इसेंशली अ हैवी स्टील ब्लेड माउंटेड ऑन द फ्रंट ऑफ ट्रैक्टर। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन की अगर मैं बात करूँ तो पोजिशन ऑफ ब्लेड, परपेंडिकुलर ब्लेड होता है, ब्लेड एट एन एंगल होता है। माउंटिंग की अगर बात करूँ तो व्हील माउंटेड और क्रेवलर माउंटेड होता है। क्रेवलर की मतलब वो चेनिंग लगी होती है ना, तो उसको क्रेवलर बोला जाता है। कंट्रोल में बात करें तो केबल कंट्रोल और हाइड्रोलिक कंट्रोल के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, मतलब ऑपरेट किया जाता है ये, मतलब उसमें हेल्प करता है उसको वर्क करने में, मेन उसका रोल होता है, मेन लीड होता है। फिर बुलडोजर का कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंसिस्ट ऑफ हैवी ब्लेड विथ कॉनकेव प्रोफाइल। नेक्स्ट, ब्लेड इज अटैच्ड
attached to the body with two arms, a supporting frame and held by two push arms. Applications की बात करें तो स्प्रीडिंग, अर्थ फिल, क्लियरिंग, ओपनिंग ऑफ पिलोट रूट्स, बैक फिलिंग ट्रेंचेस, क्लियरिंग कंस्ट्रक्शन साइट के लिए किया जाता है। जैसे बुलडोजर या उनको देख सकते हैं इस तरह से। ये क्रेवलर यहाँ पे जो बना हुआ है ये क्रेवलर है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये क्रेवलर बना हुआ है, ये इसको क्रेवलर होता है। अगर व्हील होता है ना व्हील, तो उसको व्हील माउंटेड बोला जाता है, इसको क्रेवलर माउंटेड बोला जाता है, ठीक है। बुलडोजर इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये बुलडोजर है, ठीक है, ये बुलडोजर है। इसके डिफरेंट डिफरेंट एक्सीवेटिंग करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ये देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन वाला है, एंगल ब्लेड है, डबल टिल्टिंग ब्लेड है, ये इस तरह से देख सकते हैं इसके फिगर को। फिर उसके बाद आ जाता है ट्रैक्टर, ठीक है, ट्रैक्टर आ जाता है। तो ट्रैक्टर में अगर देख सकते हैं कि मल्टीपर्पज मशीन्स मेनली यूज फॉर पुलिंग एंड पुशिंग अदर मशीन्स फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। एग्रीकल्चर पर्पज में कोई मशीन को पुश करना, पुल करना, और इसका यूज़ होता है, मेनली यूज होता है। ये भी व्हील टायर या ट्रेवलर टाइप का होता है। एप्लीकेशन क्या होता है, क्लियरिंग और एक्सीवेटिंग मशीनरी या हॉलिंग या कन्वेइंग मशीनरी। क्लोरे इस तरह से देख सकते हैं, इस तरीके का ट्रेवलर होता है, इस तरीके से होता है, ये आप देख सकते हैं पॉइंट। जैसे अगर मैं बात करूँ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर ही जैसा एकदम है, और डिफरेंस दे दिया कि क्रेवलर टाइप है या व्हील टाइप में तो क्या डिफरेंस होगा। तो क्रेवलर देख सकते हैं कि उसकी स्पीड स्लो होगी और व्हील वाले की क्या होगी, स्पीड ज़्यादा होगी। क्रेवलर है तो मोर कम्पैक्ट एंड पावरफुल एंड कैन हैंडल हैवियर जॉब, बट व्हील में क्या होता है, कैन हैंडल ओनली लाइटर जॉब। ये कॉस्टली होता है, ये चीपर होता है। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इज हाई, यहाँ पे ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस है। स्टिक कंट्रोल फॉर स्टीयरिंग के लिए, व्हील स्टीयरिंग कंट्रोल के लिए है। मूव्स ऑन रफ रोड्स ओनली, ये मूव्स ऑन रफ एज वेल एज गुड रोड्स के लिए है। यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ये लॉन्गर डिस्टेंस के लिए कर सकते हैं। आगे हम पॉइंट फिर डिस्कस करेंगे अर्थ कंपैक्शन इक्विपमेंट में, जिसमें स्मूथ व्हील रोलर है, थ्री फुट रोलर है, न्यूमोटिक टाइप रोलर है। तो ये आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और अपने फ्रेंड को शेयर करके ज़रूर बताइए कि यहाँ पे अच्छे वीडियो हैं, ये इसको देख सकते हैं। देखो थियरी से रिलेटेड है तो थोड़ा सा बोरिंग लगेंगे, लेकिन पेशेंस रख के आप नोट्स बनाते जाओगे। और शॉर्ट में इसीलिए बना के रखा है कि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें, और आप एग्ज़ाम में क्लियर हो सकें। सो आप मेरे साथ बने रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।